मेरा घर भारत के उस कोने में है जिसे पूर्वोत्तर कहा जाता है। मैं जिस आदिवासी बिरादरी से हूँ उसे मिसिंग के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम संजय डोले है। आज मेरी शादी है। ये मौका औरों की तरह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए भी किसी यादगार लम्हे से कम नहीं। इस मौके पर मेरी बिरादरी के रिश्तेदार और बुजुर्ग एकजुट हुए हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी बिरादरी मिसिंग का मतलब उन लोगों से है जिनकी जिंदगी नदी के इर्द गिर्द घूमती है। मुझे बचपन में बताया गया कि हमारी बिरादरी का ताल्लुक यांगसी और वांगहो नदी किनारे उत्तरी पश्चिम चीन में रहने वाले मंगोलों से रहा है। करीब 4000 साल पहले मेरे पूर्वज वहां से भारत आए और अरुणाचल प्रदेश की धरती पर सुवानश्री और सियांग नदी की गोद में बस गए। यहां वो कई सदियों तक रहे और शायद इसीलिए हमारी बिरादरी आदि, निशी, अपातनी और अरुणाचल प्रदेश के हिल मिरी प्रजातियों से मिलती जुलती है। इस इलाके में आदिवासियों के बढ़ने और जमीन के कम पड़ने की वजह से कुछ लोग जमीन की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। यहां उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी मिली जो दुनिया के सबसे बड़े द्वीप माजुली के चारों ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र को संस्कृत में ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। हिंदुओं में मान्यता है कि ब्रह्मा ही ब्रह्मांड के रचयिता हैं। मैं सिर झुकाकर मिसिंग की रचना के मिथक को याद कर रहा हूं और इसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज हम मिसिंग असम के दूसरे सबसे बड़े आदिवासी समूह हैं जिसकी आबादी 5 लाख है। ये समूची आदिवासी आबादी का 16% है। माजुली में हमारी बिरादरी के ज्यादातर आदिवासी रहते हैं। वैसे इन्हें असम के दूसरे हिस्सों में भी पाया जाता है। आज मेरी शादी है तो गांव के सभी लोग शादी की तैयारियों में ही व्यस्त हैं। हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा सबसे बड़े आराध्य देवता हैं। हम सूर्य को डॉनयी और चांद को पोलो कहते हैं। हम चंद्रमा को अपना पिता और सूर्य को मां मानते हैं। हमारी परंपरा में कोई भी सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान बिना चंद्रमा और सूर्य की पूजा और उनके आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा की पूजा को डोबोर पूजा कहा जाता है। इसमें जानवरों की बलि देने की भी प्रथा है। जी नीति निकी आम विहु और आलि आलि गाँव चा चिनिर मजते छीजनी आगते चा चिनि लब तार सम्पूर्ण कथा पतार पिछत आमार दुजर मजद एकत्रित है तीन भल पेरी तो पुथि उठे मैं पला अना तो दुजर मजद भल पजेरे दुजर मजद एकत्रित हो तारिक बंदर पिछत आम भल पाए বিয়াটো কথা হয় তাইৰ লগত মোৰ চিনাকি হৈছিল মই ভাল পাই আনি পচন্দ কৰিছোঁ তাইৰ মা দেউতাই মোক মোৰ ফালে নিদিয়ে এইকাৰণে মই পলাই আনি মেৰী শাদী মিছিং পৰম্পৰা কে অনুসাৰ বধু কে পলায়ন কে সাথ হো ৰহি হে ইসে দুলা লানম কহতে হে জিসকা অৰ্থ হে চুৰা কৰ শাদী কৰনা ফিৰ ইসকি খবৰ লড়কি ৱালোঁ কো দি জাতি হে তাকি উনকি ভি ৰজামন্দি হো। इसमें शादी के लिए दहेज के तौर पर रकम तय की जाती है। वैसे हमारे यहाँ दहेज की प्रथा नहीं है,
लेकिन नारी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए रकम अदा की जाती है। रकम लड़के वाले देते हैं, इसे आलिक कहते हैं। ये रकम हर हाल में देनी होती है, भले ही शादी परिवार ने तय की हो या प्रेम विवाह हो। शादी रोकने के लिए लड़की के परिवार वाले दुल्हन की ऊंची कीमत की मांग करते हैं। मांग पूरी नहीं करने पर लड़के वालों को लड़की लौटानी पड़ती है। दुर्भाग्य से मेरे बड़े भाई को गांव की पंचायत और ए बिनाम के आदेश पर लड़की लौटानी पड़ी, क्योंकि वो दुल्हन की कीमत अदा करने में नाकाम रहा। हमारे कुछ दोस्तों ने परिवार वालों की मर्जी से शादी की। इसमें परिवार के बड़े बुजुर्गों के राय मशविरे से उनके लिए योग्य जीवन साथी चुना गया। हमारे यहाँ इसे मिदंग कहा जाता है। वैसे हमारे यहाँ प्रेम विवाह भी संभव है, इसे कुमशु जोशु कहा जाता है। ये न तो ज्यादा खर्चीला है और न ही ज्यादा विस्तृत। आदिवासी बुजुर्ग शादी की कुछ पुरानी परंपराओं के बारे में भी बताते हैं। इसमें लड़की को जबरन कब्जे में ले लिया जाता है या उसे भगा लिया जाता है। शादी के इस तरीके को सोलम लानम कहते हैं। जल्दी ही हम अपने घर पर होंगे और मेरे साथ मेरी होने वाली पत्नी भी होगी। उसकी मांग में मेरे द्वारा सिंदूर भरने के बाद वो धार्मिक और सामाजिक तौर से मेरी पत्नी हो जाएगी। और इसके बाद हमें आदिवासी बिरादरी के बड़े बुजुर्गों द्वारा सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया जाता है। हमारी शादी का जश्न सुअर के मांस के बिना अधूरा ही माना जाता है। हमारे यहाँ मान्यता है कि चाहे शादी किसी भी रूप से हुई हो, जिम्मेदारियाँ बच्चों के साथ ही आती हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग मोरोंग नाम की सामाजिक व्यवस्था का भी जिक्र करते हैं, जहां किशोर लड़कियां और लड़के एक साथ रहते थे। हालांकि ये व्यवस्था अब ज्यादा चलन में नहीं रह गई है। परिवार के छोटे सदस्यों को अलग रखकर युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। वो जंगली जानवरों और दूसरे आदिवासियों से गांव की रक्षा करते थे। मुरोंग में युवा लड़के और लड़कियों को नाच और गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। दरअसल ये मुरोंग एक तरह से स्कूल होते थे, जहां हमारी परंपराएं सहेज कर रखी जाती थी और इनका खास सामाजिक और सांस्कृतिक मकसद होता था। हम आधुनिक युग में माजुली में स्कूल और कॉलेजों से दुनिया के बारे में जानते समझते हैं। हम ऐसे आधुनिक युग में हैं जहां मीबू कहलाने वाले ओझा, अतीत के इतिहासकार और सटीक भविष्यवाणी करने वाले बुजुर्ग यहां की आदिम और पारंपरिक आदिवासी औषधियों के वैद्य के रूप में पहचान पाने के संघर्ष में रत हैं। The influence of the shaman that started dwindling, particularly after independence, when there were hospitals set up, when doctors and nurses started visiting villages, so the function of the physician performed by shamans, those functions were no longer there. They are no longer there. Therefore, I hear about only a couple of shamans now amongst the missing, who are called Mibus. Missing मानते हैं कि कई आत्माएं विनाश और मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मीबू इंसान और उन आत्माओं के बीच माध्यम है। मीबू में कुछ पारलौकिक शक्तियां होती हैं, जिससे वो इंसान की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है।
मुमकिन है मीबू को पढ़ना लिखना नहीं आता हो, लेकिन उसमें आदिवासियों के इतिहास को अमर गीतों में ढालने की क्षमता होती है। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान खुद को बचाने के लिए मिसिंग ने अपने ककहरों को खत्म कर लिया। इसकी वजह से हमारे पास आज कोई प्राचीन लिखित लिपि नहीं है। हमारी भाषा तिब्बत बर्मी परिवार से ताल्लुक रखती है, जिसे हमने अभी तक संजो रखा है। इसके साथ ही हम असमी भाषा भी बोलते हैं। मिसिंग आदिवासी जीवन प्रकृति से प्रेरित और परंपराओं से निर्देशित है। बुनाई हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। कहते हैं कि मिसिंग लड़कियां गुड़ियों से भी पहले छोटे हथकरघों के खिलौनों से खेलती हैं। मान्यता थी कि अगर योद्धा की पत्नी रणभूमि में जाने से पहले अगर उसका वस्त्र नहीं बुनती तो उसका विजेता होकर लौटना मुश्किल था। इसीलिए किसी भी कन्या का विवाह उसके बुनाई की कला में प्रवीणता पर निर्भर हुआ करता था। ऐसा आज भी देखा जा सकता है। हमारी ताने बाने वाली ज्यामितीय संरचनाएं प्रकृति के रंगों की झलक देती हैं। महिलाएं इस एगे को स्कर्ट की तरह पहनती हैं, जिसे मेखला भी कहा जाता है, और इसे खास मौकों पर पहना जाता है। हम मुख्य पहनावे साड़ी को गेरो कहते हैं। पुरुष धोती पहनते हैं, जिसे उगोन कहते हैं, और कमीज को गालुक। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि ऐसे प्राकृतिक और इंसान द्वारा बनाई गई खूबसूरती में हूं। हमारे प्रेम गीत और वीर गाथाएं प्रकृति, उसकी खूबसूरती और महान ब्रह्मपुत्र नदी का गुणगान करते हैं। ब्रह्मपुत्र सिद्ध आईना बीतर काम आईना बीतर काम आईना सुसंग आशीष आईना मत काम बन। लेकिन मिसिंग लोगों के लिए नदी के किनारे रहने की कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो है बाढ़ से जूझना। The flood situation is not a very severe condition in missing people. In other time, other places, if such flood is happen, so many people may have casualties. But in missing people, never. There is no casualties of flood effect. Their sang platform houses very useful in the time of earthquake and flood. Their life is saved due to this sang or platform house. हमारे घर बांस से बने होते हैं, जो बाढ़ का सामना कर सकते हैं। हम इसे सांग घर कहते हैं, जिसमें पशु निचले हिस्से पर रहते हैं। हमारे घर इस तरह से बने होते हैं ताकि लोग रहने के अलावा पानी से बचे भी रह सकें। Formerly, we also live on Sanghar. It is very expensive. Every year, it is to be repaired. Sometimes, the walls also damaged by peak, and they go into the house, and they miss rice, apong. So, those who are economically developed, those who are serving something, they are trying to build this like a house. But most of the people are, you are seeing, they are on the sanghar. हालांकि अब ऐसे घर भी बन रहे हैं जो सीमेंट और ईंटों से बने हैं। बांस की जगह पक्की नींव डाली जा रही है, लेकिन बांस से बने परंपरागत घर आज भी अपना वजूद बरकरार रखे हैं। They maintaining that is in a traditionality, but because you see, whenever we go to some places, we have find that they have constructed RCC houses. But what the provisions they are having in an indigenous tribal bungalow, they will be having the same methods out there. Just like a morong will be there.
they'll be constructing a pakka house or an RCC building, but in addition they will always attach a morang. That's sang bungalow, the, particularly the kitchen area. They will never lose the originality. हमारी बिरादरी में ये एक अच्छी बात है कि हम अपने घरों में ताले नहीं लगाते, क्योंकि हमें इसकी कभी जरूरत महसूस ही नहीं होती। हमारे लिए आपसी विश्वास सबसे बड़ी चीज है। हम शांति और प्यार से रहने वाले एक समाज में रहते हैं। हमारे समाज में साझा परिवार का चलन है। यहाँ तो एक परिवार ऐसा भी है जिसमें सदस्यों की तादाद 86 है। There are 86 members in our family. They are living togetherly. Own daughter is only two. Own, not family. But my मैंने son is मैंने four sons. One family member, four brothers. मैंने second and six brothers. Three मैंने one members. और youngest uncle is my has three sons. House is length 126 feet. Constructed by my carpenter. चूल्हे या मरम के आधार पर घरों के दो हिस्से किए जाते हैं, जिन्हें रिसिंग और कोकटोक कहते हैं। रिसिंग घर का सबसे पवित्र और सम्मानजनक हिस्सा माना जाता है, जहां घर के पुरुष सदस्य बैठते और खाना खाते हैं। महिलाएं जिस हिस्से में रहती हैं, खाना बनाती हैं, उसे कोकटोक कहते हैं। ये दिलचस्प है कि घर के रिसिंग हिस्से में रहना और बैठना काफी गौरव की बात मानी जाती है, जिसका आनंद केवल घर के पुरुष उठाते हैं जो अपने को महिलाओं से श्रेष्ठ मानते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है। गेहूं, चावल और सरसों यहाँ की मुख्य फसल है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन मछली पालन का भी इसमें काफी हिस्सा होता है। हाल ही में कृषि और मछली पालन का इस्तेमाल कारोबारी लिहाज से बढ़ा है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आ रहा है। मिसिंग लोग मूल रूप से खेतीहर हैं। चावल अभी भी हमारी मुख्य फसल है। मांस मांस लगे तरकारी और आपों आपोंग सेकेंड मैंने मेन तो होल मैंने भात के खाऊं हमें। शादी से पहले हमारे यहाँ दूल्हा और दुल्हन को अपने अपने ससुराल में कम से कम 5 दिन उनके खेतों में काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ शादी की परंपरा अब भी पुरानी लीक पर चल रही है। इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। बदलाव आया है तो केवल इतना कि आज मेरे जैसे दूल्हे को खास मेहमान के तौर पर नवाजा जा रहा है। हमारी बिरादरी की बाकी महिलाओं की तरह मेरी पत्नी भी बैल, मुर्गियाँ और सुअर रख सकती है, और इससे होने वाली कोई भी आमदनी उसकी मानी जाएगी। पहले हम झूम खेतीहर थे, लेकिन मैदान के निवासियों के मेलजोल ने हमें स्थायी खेतीहर बनना सिखाया। इसने भूमि पालक होने की मूल कल्पना को बदल डाला। आज हम अपनी ही जमीन पर वार्षिक किराएदार की तरह रहते हैं। पारंपरिक और सांस्कृतिक तौर पर हम मिसिंग भूमि स्वामित्व के लिए झगड़ा नहीं करते, हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या और भूमि के क्षरण ने इनकी कीमत बढ़ा दी है। हर परिवार का उस जमीन पर मालिकाना हक है जिस पर वो फसल उगाता है और खेती करता है। हमारे यहाँ कोई भी भूमिहीन परिवार नहीं है। महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। जिन परिवारों के भी खेत हैं, उन्होंने खेतों में मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था को विकसित किया है। उसे रिकबो कहते हैं। इसका मतलब है हर परिवार अपने एक सदस्य को दूसरे परिवार को खेतिहर काम में मदद करने के लिए भेजता है। आदिवासी रीति रिवाजों में इस तरह का सहयोग भाईचारा बढ़ाने के लिए जरूरी माना जाता है। That's why pairing this flat, we have to call it bow. And in a day, whole day field should rip and store in the storeroom. Without rig bow, we cannot do such a work. It is very necessary for us. Rig bow is already any or raping or plowing or cutting wood, jungle, every time rig bow is necessary for missing. इसके लिए कोई मेहनताना नहीं दिया जाता और काम पूरा होने पर जश्न मनाया जाता है।
हमेशा की तरह इस जश्न में घर में बनाई मनपसंद शराब अपोंग का प्रचलन है। आदिवासियों में अपोंग देने की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितने की आदिवासी। अपोंग प्रतीक है हमारे जीवन में खुशहाली का। हमारी शुरुआत एक मांसभक्षी धर्म के तौर पर हुई। हम पूर्वजों की परंपराओं पर विश्वास करते हैं और हम उसे बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसे ओराम पुसम कहते हैं। एक जमाने में हम गाय के मांस को खाते थे। हमारे पूर्वज 15वीं शताब्दी के हिंदू सुधारवादी श्री शंकर देव से काफी प्रभावित हैं। बाद में हमने गाय का मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन धार्मिक समारोहों में हम मीट और मछली का प्रयोग करते हैं। These missing people, they have a different kind of a tradition, cultural tradition. They have their own ways of life, and in their faith is animistic, and they use say even vegetarianism is out of question. They use meat, fish, and also alcohol in religious ceremonies, and most probably these gurus. They observe this phenomena and realize that if you impose a very pure kind of a religion on them, probably it would be very difficult for them to accept that kind of a religion. बाद में एक नया धर्म सामने आया जिसे केवालिया कहा गया, जो कि हमारी पारंपरिक मांसभक्षी रिवाजों और हिंदू परंपरा का मिलाजुला रूप है। कुछ परिवारों ने मांसाहार से अपना विश्वास खत्म कर दिया और वो पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। ये अपने को भगवती कहते हैं। ये भगवती कृष्ण के भजन गाते हैं और हरि नाम का जाप करते हैं। ये शंकर देव की धार्मिक रीतियों का अनुसरण करते हैं। सच तो ये है कि हम हिंदू और मांसभक्षी धर्मों के मिले जुले सार्थक रूप को मानते हैं। हम मंदिरों में पूजा करते हैं, इसे सत्रा कहा जाता है, जिसे शंकर देव के अनुयायियों ने बनाया है। हमारा धर्म जो भी हो, हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते ही हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं हमारे परिवार की भलाई और समृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। महिला पूर्वजों का आह्वान नहीं किया जाता, इसके पीछे ये भावना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी कोई खास भूमिका नहीं है, भले ही नवजात शिशु का जन्म हो या उर्वर भविष्य। किसी परिवार में बेटा न होने पर बच्चे को गोद लेने का रिवाज है। हम मानते हैं कि ईश्वर की पूजा और अपने मृतक पिता की आत्मा को शांति दिलाना बेटे का ही धर्म है। हमारे आदिवासी पितृ प्रधान समुदाय में बेटे को सबसे अहम दर्जा दिया जाता है। सभी सदस्यों के एक साथ रहने से परिवार में नजदीकी बढ़ती है। परिवार के बेटे की हैसियत से मैं पारिवारिक मामलों में दूसरा स्थान रखता हूं, भले मेरा परिवार में जन्म हुआ हो या मुझे गोद लिया गया हो। पिता की मृत्यु के बाद बेटा अपने आप पिता की जायदाद का मालिक बन जाता है। परिवार पर उसका अधिकार होता है और परिवार के फैसलों में उसकी राय अहम होती है। हमारे समाज में मरे हुए व्यक्ति को दफनाने का रिवाज है। विधवा अपने पति के भाई से शादी कर सकती है यदि वो अविवाहित है। बहुपत्नित्व कभी कभार दिखता है, लेकिन रिवाज एक पत्नी का ही है। यहाँ पुरुष एक से ज्यादा शादी कर सकता है, बशर्ते वो अपनी पहली पत्नी और उसके बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम हो। प्रॉपर्टी मे नॉट बी हेरिटेड बाय देम, बट दे आर यूज्ड, दे हैव सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक शेयर, दैट इज कॉल्ड रिक्शन। They can individually they can earn money from their from rearing pigs, fowls, and wearing and weaving and spinning pigs. किसी भी हालत में महिलाओं को संपत्ति का वारिस बनने या अपने पति को तलाक देने का अधिकार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे समाज में औरतों को पुरुषों की तुलना में नीचा स्थान प्राप्त है। इसके बावजूद मिसिंग समाज में महिलाओं के खिलाफ ज्यादतियों से जुड़े अपराध की घटना शायद ही कभी सुनी गई। फिर भी पुरुष ही केबांग कहलाने वाली ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। केबांग समाज में शांति और सद्भाव कायम करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये आदिवासियों की खुद की न्याय व्यवस्था का उदाहरण है। गांव की पंचायत के फैसलों का सभी सम्मान करते हैं,
किसी भी स्वयं शासित आदिवासी सरकार की तुलना में गांव के प्रतिनिधियों द्वारा फौरन किए गए फैसले को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हाल तक हम केवल केबांग न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने प्रशासन की मदद लेनी शुरू की है। They do believe in the legal machinery of India. Definitely they come to the police stations and register the cases. Although the rate of crime is very much less compared to general caste. Their houses and all, if you notice, they don't have any locks and all. It's made of bamboo. They just throw their crops or whatever. They have few wants actually, and they are easily satisfied with whatever they grow. If they are in cultivation, there's sufficient land for them, and they live a simple and peaceful life. हमारे समुदाय की खुशहाली का सारा दारोमदार अच्छी पैदावार पर निर्भर करता है। अली आई लिगांग हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। अली बीज है, आई फल है, और लिगांग है रोपना, जिसका अर्थ है बीज बोना और फल चुनना। त्योहार फरवरी के पहले बुधवार को मनाया जाता है, जिसके बाद धान बोने का समय आता है। रिवाज के मुताबिक पहले बीज की रोपाई का काम परिवार के मुखिया करते हैं, साथ ही वो उर्वरता और समृद्धि की देवी का आह्वान अच्छी फसल के लिए करते हैं। समारोहों में अपोंग के बांटने के बाद भव्य नाच गाने का कार्यक्रम होता है। इसमें परंपरागत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ढोल और ताल, जिनमें अनंत जीवन चक्र की गूंज सुनाई देती है। इनके नृत्यों में धान की फसल की बुआई से कटाई तक के अलग अलग चरण हैं। थिरकते शरीरों के नृत्य से पृथ्वी की कोख को थपथपाया जाता है, ताकि वो अच्छी फसल दे। ज्यादातर गाने परंपरागत वीर गाथाओं पर आधारित होते हैं। हमारे मौखिक साहित्य की समृद्धता का प्रमाण इसकी विविधता है। लोक गाथाएं हमारी अभिव्यक्ति का मुख्य अंग हैं, और नृत्य और गीत गाना हमें बहुत भाता है। अबांग भक्ति के सबसे पुराने और लोकप्रिय गीत हैं। ये एक मीबू से दूसरे मीबू तक की विरासत है। कुछ अबांग रचना के मिथक से जुड़े हैं, बाकी आदिवासियों की काव्यात्मक परंपरा की समृद्धता को दर्शाते हैं। हर मौके के लिए गीत और वीर गाथाएं हैं। शादी के गीतों को मिदंग नितम कहते हैं। बोलो लोला
कबांग यानी मिसिंग वीर गाथा शोक और दुख प्रकट करने का माध्यम माने जाते हैं। कामा मिलता कालो लाद मुमावा। प्रेम गीतों को ओइनितम कहा जाता है। ये धुनें बेहद लोकप्रिय हैं और ये प्रेम और दर्द के बीच के रिश्ते की बखूबी व्याख्या करते हैं। हमारे और प्रकृति के बीच बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हालांकि आधुनिकता दुनिया में फैलती हुई धीरे धीरे हमारे बीच घर करती जा रही है, फिर भी हम प्रकृति से मुंह नहीं मोड़ सकते। कुदरत के साथ जुड़े होने से हम हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहे हैं। आज हम में से करीब 35% लोग लिखने और पढ़ने में सक्षम हैं। The Muslims, like any other community in the world today, they are part of the human or humankind or mankind. Therefore, as everywhere in the world, all small tribes, however small they are trying to develop and keeping keep pace with the modern world. So that is one direction in which they must move. But at the same time, one challenge for anthropologists maybe today is how to preserve tribal values. Tribal ways of life may die out someday. They are dying out everywhere. And the kind of life that you see today amongst the tribals, they may not be there tomorrow. But it is necessary that some of the wonderful values that the tribals have, human values that they have, they need to be preserved. शिक्षा ने प्रकृति से हमारा संबंध और मजबूत किया है। इससे हमने सीखा है कि भूमि का क्षरण कैसे रोकें और पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। इसी ने नदियों और झरनों, प्राकृतिक रंगों और उसकी छटाओं से हमारे प्रेम प्रसंगों को जीवित रखा है। एक मिसिंग व्यक्ति, पानी की एक बूंद में विश्व, जंगली फूल में स्वर्ग और बरसात की फुहारों में अनंत को देखता है।
लोक संगीत की मधुर धुन पर नाचते झूमते और जीवन गीत गाते इन भोले भाले आदिम जनजाति असुरों के लिए ये जश्न मनाने का समय है। और जश्न क्यों न हो, इन बाबूमनों की इस ऊसर पठारी धरती ने लगातार चौथे साल आलू के रूप में इन्हें जीवन का वरदान जो दिया है। '97 से अब तक आलू के उत्पादन और जोत में लगातार वृद्धि हुई है। हर साल नए लोग इसकी खेती से जुड़ रहे हैं। सदियों से इन बाबूमनों का पेशा रहा है लोहा गलाकर उससे आम लोगों की जरूरतों के लिए तरह तरह के हथियार और औजार बनाना। इसी भट्टी में ये असुर लोहा गलाकर फौलाद बनाते थे। कालांतर में जंगलों के बेतहाशा कटने और आधुनिक भट्टियों के आ जाने से इनकी जीविका का ये एकमात्र साधन भी इनसे छिन गया। और तब जीविका के लिए इन्होंने मजदूरी और छुटपुट खेती का सहारा लिया। लेकिन एक तो ऊसर पठारी धरती, सिंचाई के साधनों का अभाव, उस पर उपज बहुत ही कम, सिर्फ मकई और गौरा धान, जीवन यापन बहुत ही कठिन था। पिछली सदियों में इन बाबूमनों को बार बार बेघर होना पड़ा और तब शासक वर्ग के उत्पीड़न और शोषण से बचते हुए इन्होंने इस निर्जन पठार को अपना स्थायी निवास बनाया। यह पठार जो पहले झारखंड की राजधानी रांची का हिस्सा था, सन 1983 में इसे गुमला नाम से अलग जिला बनाया गया, जिसका उद्देश्य था इस पठार के विकास में होने वाली भौगोलिक और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना। जमीन की कोई कमी नहीं है इन बाबूमनों के पास, क्योंकि इस पठार पर जनसंख्या का घनत्व काफी कम है। इसके बावजूद